नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा। पता नहीं गौतम सिंघानिया का असली मकसद क्या था। बेटे के साथ मुलाकात करने पर विजयपत सिंघानिया का ये बयान आया है। जी हां, अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल नया बयान आया है ये। एक तरीके से पिता ने बेटे की फिर से पोल खोल कर रख दी है। क्या है पूरा मामला ये आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 3-4 दिन पीछे चलना पड़ेगा। देखिए तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर, ये तस्वीर है। ये तस्वीर क्या है, देखिए, रेमंड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गौतम सिंघानिया ने एक ट्वीट किया था इस फोटो के साथ। इस पिक्चर पर ही सारा बवाल मचा हुआ है। गौतम सिंघानिया ने ट्वीट करते हुए लिखा था उस समय कि हैप्पी टू हैव माई फादर एट होम टूडे एंड सीख हिज ब्लेसिंग, विशिंग यू गुड हेल्थ पापा ऑलवेज। यानी कि आज अपने पिता को घर पाकर बहुत खुश हूँ, पिता की अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया और उनके पिता विजयपत सिंघानिया के में कथित तौर पर जो भी सार्वजनिक विवाद था वो खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ तो कहानी एकदम उलट गई है, एकदम नया ट्विस्ट आ गया है। क्या है पूरा मामला और मैं आपको समझाऊंगा, विजयपत सिंघानिया ने का जो नया बयान आया जिसके बाद से पूरी कहानी एकदम बदल गई है उसको समझाएंगे भी, लेकिन पहले सुनिए उन्होंने कहा क्या। Since the media is asking, I try to clarify my position. On Wednesday, 20th March, while I was on my way to the airport, I received a call from Gautam Harisinghania's assistant, repeatedly trying to persuade me to come to JK House. When I refused, GHS came online himself and said he will take only 5 minutes of my time over a cup of coffee. I went most reluctantly, not realizing that it was for an ulterior motive of taking my photograph with GHS to send a wrong message to the media. A few minutes later, I came down and left for the airport. Soon after, I started receiving messages with my photo with GHS on the internet claiming Gautam had and I had made up, which was totally false. Within a short time, it was all over the media. I don't know what his real motive was, but it was certainly not for coffee, nor to resolve our differences. The fact is, it is the first time in 10 years that I have ever entered JK House, and I don't think I'm going to ever enter it again. तो जो ये फोटो थी, इसी फोटो पर विजयपत सिंघानिया का रिएक्शन आया है। गौर से आपने सुन ली बात, तो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने अपने बेटे और रेमंड ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम सिंघानिया के साथ किसी भी सुलह से इनकार किया है। जी हाँ, उनका किसी भी सुलह से इनकार है। उन्होंने बताया कि उन्हें 20 मार्च को एयरपोर्ट जाते समय उनके बेटे के असिस्टेंट का फ़ोन आता है। गौतम का असिस्टेंट जो है बार बार, जो उनका कहना है कि गौतम का असिस्टेंट बार बार मुझे घर आने के लिए मना रहा था। जब मैंने मना कर दिया तो खुद गौतम का कॉल आया और उन्होंने कहा कि एक कप कॉफ़ी के साथ मुझसे सिर्फ 5 मिनट का टाइम, मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, हम लोग बैठ के कॉफ़ी पियेंगे। फिर वो लंबे वक्त बाद जो यहाँ पे विजयपत सिंघानिया, लंबे वक्त बाद उन्होंने जब बेटे की बात सुनी तो उन्होंने लगा कि एक बार चाहता हूँ मैं वहाँ पे जाके बात करता हूँ। तो लंबे समय वक्त बाद वो जेके हाउस पहुँचे वहाँ पर। आगे विजयपत सिंघानिया ने कहा कि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मीडिया को एक मजबूत मैसेज देने के लिए सब किया जा रहा है। जो फोटो जो पूरी खींची गई है ये सिर्फ एक मैसेज देने के लिए मीडिया को जा रहा है कि बेटे और पिता के बीच में सुलह हो गई है। और उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी तरह की सुलह नहीं हुई है। कुछ देर बाद वो नीचे आए और एयरपोर्ट के लिए वापस रवाना हो गए। इसके तुरंत बाद उन्हें जब इंटरनेट पर उन्होंने देखा तो गौतम के साथ उनकी जो फ़ोटो थी वो वायरल हो गई थी और जिसमें दावा किया जा रहा था कि उनकी पिता और बेटे के बीच में सुलह हो गई। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी तरीके से गलत है। उनके इसके पीछे मेरे बेटे की क्या मंशा थी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की सुलह को लेकर उन्होंने इन बात को नकार दिया है। आपको याद होगा कि बिजनेस टुडे के जो एडिटर हैं सौरभ मजूमदार ने भी गौतम सिंघानिया के पिता विजयपत सिंघानिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था, जहाँ पर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए थे, कई अहम बातें कही थी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा था कि भाई मैं अपने बेटे को सब कुछ देकर मैंने बहुत ही मूर्खतापूर्ण गलती करी है, माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों को सब कुछ देने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और जब तक
जीते जी माता पिता जब तक जीते जी रहें तब तक अपने बेटे के नाम या फिर बच्चों के नाम सब कुछ नहीं कर देना चाहिए, तो इस तरह की बातें निकल कर आई थी। तो अभी फिलहाल जो लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी ये हुई है कि जिस तरीके से विजयपत सिंघानिया ने बोला है कि मुझे गौतम सिंघानिया ने बुलाया था, मैं गया वहाँ पर, लेकिन किसी भी सुलह की बात नहीं थी। इस तरह पूरी जो फोटो जो क्लिक की गई और सोशल मीडिया पर डाली गई मैसेज कन्वे करने के लिए कि हम लोगों के बीच में सुलह हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।